एक्ट्रेस अभिनेत्री तनुजा के घर से हाल ही में एक बुरी खबर आ चुकी है। ये खबर आई है तनुजा की छोटी लाडली बेटी एक्ट्रेस तनिषा मुखर्जी को लेकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी के बारे में। तनिषा मुखर्जी गंभीर बीमारी का शिकार हो चुकी है। रिसेंटली सोशल मीडिया के जरिए तनिषा ने इस बात की जानकारी दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें, तनिषा ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए बताया है कि वह अब COVID-19 पॉजिटिव पाई गई है। जी हाँ, तनिषा ने इंस्टाग्राम स्टेटस पर लिखा है, सभी को हेलो, मैं कोविड पॉजिटिव पाई गई हूँ और जरूरत के मुताबिक आइसोलेट हूँ। इस तरह से तनिषा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को इस बात की जानकारी दे दी है। इसी के साथ साथ तनिषा ने हाथ जोड़ते हुए इमोटिक भी शेयर किया है। तनिषा का COVID-19 पॉजिटिव पाए जाना उनके परिवार और उनके चाहने वालों के लिए बेहद बुरी खबर है। COVID-19 महामारी का शिकार अब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सितारे हो चुके हैं। जहां एक तरफ सेलिब्रिटीज ने इस महामारी से जंग जीती है, तो वहीं इस महामारी के चलते कई सेलिब्रिटीज इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। कोरोना वायरस महामारी का कहर अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, तनिषा मुखर्जी जिन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से दूर होती हुई नजर आई, लेकिन तनिषा मुखर्जी टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 7 में बतौर कंटेस्टेंट भी नजर आ चुकी हैं और फर्स्ट रनर अप भी रह चुकी हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।